हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज है 19 जून 2019, तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से ले आया हूं उत्तराखंड करंट अफेयर वीडियो, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला उत्तराखंड करंट अफेयर है वो है हाल ही में बीसीसीआई की समिति के कौन से सदस्य उत्तराखंड आए थे। जी हाँ, बीसीसीआई की संबद्धता समिति के सदस्य सभा करीम और अंशुमान गायकवाड़ अभी उत्तराखंड के दौरे पर थे और अब वह यहाँ पर जितने भी आपके क्रिकेट एसोसिएशन हैं उनसे मिल चुके हैं और उनकी रिपोर्ट अब हुए दिल्ली में जाके कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर COA को वहाँ पर जमा करेंगे और उसके बाद ही उत्तराखंड के जितने भी एसोसिएशन हैं उनकी संबद्धता का यहाँ पे पता लगेगा। देखिए, उत्तराखंड की कौन कौन सी हैं, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड और यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दिवंगत मंत्री प्रकाश पंत जी के नाम पर किस मार्ग का नामकरण किया गया है? तो जौली ग्रांट भुइयावाला मार्ग को अब प्रकाश पंत जी के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्रकाश पंत जी का अभी निधन 5 जून 2019 को हो गया था। इसकी जो घोषणा है वो राज्य सरकार ने कर दी है, आज राज्य सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग थी। तो दोस्तों, यह तो हमारे उत्तराखंड के करंट अफेयर थे। अब मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अभी हाल ही में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ओम बिड़ला जी को अभी 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। वह राजस्थान के कोटा बूंदी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं और 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं। उनका जन्म 4 दिसंबर 1962 को कोटा राजस्थान में हुआ था। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, फेसबुक द्वारा लाई जा रही क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो फेसबुक लिब्रा नाम से एक क्रिप्टो करेंसी ले गया है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, वह इसे 2020 में लॉन्च करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक लो कॉस्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना है जो स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए उपलब्ध हो सके। लिब्रा नाम रोमन वेट मेजरमेंट से आया है जो कि ज्योतिषी भाषा में न्याय को दर्शाता है और लिब्रा का फ्रेंच भाषा में मतलब आज़ादी भी होता है। देखिए, यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि जो लिब्रा है वो कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, उसको कौन लॉन्च करेगा, ठीक है, हिसाब से आपके प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी HDFC पर धोखाधड़ी के बारे में सूचना नहीं देनी और निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। इसके चेयरमैन आदित्य पुरी जी हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को लगातार दूसरी बार घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अब जो फिच है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है US की, उसने 6.6% कर दिया है। इससे पहले मार्च में उसने जो आपका 7% से घटाकर 6.8 कर दी थी। यह जो निर्णय लिया गया है यह मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र में सुस्ती की वजह से लिया गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यह है जो US की है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने की घोषणा की है? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज करने की घोषणा की है। इससे पहले केवल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में ही प्रेस रिलीज जारी होती थी, अब इनके साथ साथ संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। अब मुख्यमंत्री के जितने भी बयान व प्रेस रिलीज हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ संस्कृत में भी जारी किए जाएंगे। इसके लिए सूचना विभाग इस अनुवाद के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की मदद लेगा। तो दोस्तों, आपको यह आज की वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यदि आप इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो या हमारे चैनल के कंटेंट में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो चलिए, इसी आशा में कि आप हमें अपना ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।